ईवीएम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स के समान है, किसी को भी ईवीएम को जांच की अनुमति नहीं है, राहुल गांधी ने ये कहा है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर केस दर्ज होने के बाद ईवीएम के साथ संभावित छेड़छाड़ को लेकर फिर से संग्राम मच गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर टिप्पणी की और लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। खास बात यह है कि राहुल के बयान से पहले टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क भी ईवीएम को बदलने की बात दोहरा चुके हैं। मस्क ने कहा कि हमें ईवीएम पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, इस बात की बहुत संभावना है कि इसे इंसान या एआई के जरिए हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया में उस अखबार की कटिंग भी लगाई है जिसमें दावा किया गया है कि शिवसेना के सांसद के रिश्तेदार के पास ऐसा फोन था जिससे ईवीएम को आसानी से खोला जा सकता है। और वहीं राहुल गांधी के इस बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया तो बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है आप देखिए। राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल के बाद समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने भविष्य में होने वाले चुनाव को बैलेट पेपर के जरिए कराने के साथ ही ईवीएम से किनारा करने की सलाह दी और कहा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा कि जब ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है तो बीजेपी सफाई दे कि इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। राहुल अखिलेश की इन आशंकाओं के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है वो शुद्ध रूप से कचरा है। मालवीय ने लिखा कि इलॉन मस्क या जिसे भी ऐसा लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है वो भारत के चुनाव आयोग के पास जाकर इस पर बात कर सकता है। राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र की शिकायत इलॉन मस्क से क्यों कर रहे हैं, मस्क क्या कर सकते हैं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन है, सुरक्षित है और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है, लिहाजा इसमें गड़बड़ी संभव नहीं है। और ईवीएम को लेकर मचे इस नए घमासान के पीछे की पूरी कहानी क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल ईवीएम पर अचानक उठ रहे सवाल के पीछे मुंबई में दर्ज वो पुलिस केस है जिसमें आरोप लगाया गया है कि फोन के जरिए ईवीएम को हैक किया गया है। मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पंडेलकर पर आरोप लगा है कि वो 4 जून को मतगणना केंद्र में ईवीएम मशीन से जुड़े फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद उम्मीदवारों की शिकायत के बाद वरनाई पुलिस ने वायकर के साले और चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि इससे जुड़ी खबर मीडिया में आने के बाद मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि ईवीएम से मोबाइल फोन के कनेक्शन होने की खबर बेबुनियाद है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मोबाइल सीज करने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लिहाजा किसी भी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है। इस पूरे विवाद के पीछे एक हैरान करने वाला पक्ष ये भी है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर रिकाउंटिंग के बाद शिवसेना उद्धव गुट के अमोल कार्तिकर से महज 48 वोट से जीत गए थे, जिसके बाद उद्धव गुट ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। और वायकर के दावे के बाद चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। ईवीएम किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता, ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी नहीं लगता, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। ईवीएम को लेकर गलत खबर फैलाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया, और ये भी कहा जा रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात निकलकर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा बयान है ईवीएम को लेकर, क्योंकि सवाल उठाए गए पहले राहुल गांधी, और इस बीच हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर दिखा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। में ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है, ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ डेटा कंपाइलेशन होता है, नॉट ओनली डेटा कंपाइलेशन, पूरा जब से इलेक्शन डिक्लेयर होता है हर चीज, जो नॉमिनेशंस आते हैं हमारे पास, जो वैलिडली नॉमिनेट होते हैं, फिर जो एफिडेविट है सब वहाँ अपलोड करते हैं। तो हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड कर
करते हैं, तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो इसी हिसाब से कुछ लोगों के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में के, हर लोकसभा विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में के जो एआरओ है, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने अपने अपने ऑफिस के लोगों के नंबर अंडर देयर सिग्नेचर दिए थे, तो उनको हमने अलाउ किया था। तो आपने रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी को सुना और उन्होंने बड़ी बातें कही है, और क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या कुछ कैसे डिफेंड किया जा रहा है ईवीएम को लेकर, राजीव और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, साफ साफ कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर गलत खबर फैलाई गई। बिल्कुल, देखिए वंदना सूर्यवंशी जो कि रिटर्निंग ऑफिसर थी काउंटिंग के दिन, उस दिन गोरेगांव नेस्को सेंटर में खुद मौजूद थी, और उनका साफ कहना था कि ये खबर जो पब्लिश हुई है, इस खबर को लेकर उन्होंने उस मीडिया संस्थान के उस शख्स को, उस पत्रकार को समझाने की कोशिश भी की थी, उसके बावजूद एक खबर इस तरह से पब्लिश की गई है जिसका एक गलत नैरेटिव सेट हो रहा है। और ऐसा नहीं कि कहीं एक इलाके, एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला जो है पूरे देश में गलत नैरेटिव सेट करेगा, इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुद जब कलेक्टर से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हम खुद इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपना पक्ष रखेंगे, और जिन्होंने इस खबर को फैलाया है उनको नोटिस भी इश्यू करेंगे, और आखिरकार नोटिस इशू कर दिया गया है। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम जो है किसी मोबाइल या किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकता है, वो स्टैंड अलोन होता है, किसी डिवाइस से कनेक्ट होने का सवाल ही नहीं होता है। ऐसे में ओटीपी जनरेट होना, किसी के मोबाइल पर ओटीपी जाना, इस तरह की बात संभव ही नहीं है। अब चूंकि ये जो खबर आई है, इसको लेकर दो तरह के पहलू हैं। एक ये है कि जो विपक्ष है इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपना एक नैरेटिव सेट करेगा कि किस तरह से ईवीएम के जरिए जो है सत्तारूढ़ दल इसका फायदा उठाता है, साथ ही साथ में वो इस बात को भी रखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से सरकारी पक्ष भी उनको मदद करता है। इलेक्शन कमीशन अपनी बात सामने रख रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बात रखी है सामने वो सबके सामने। शुक्रिया राजीव, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच देखिए, आप इस पूरे विवाद पर, कांग्रेस ने ईवीएम विवाद पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, चुनाव स्थगित हो सिर्फ मुंबई नहीं दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है। इलॉन मस्क ने भी सवाल उठाए हैं, ये भी पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कहा गया। विपक्षी दलों की बैठक बुलाए आयोग, तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल, और आप सुनिए पृथ्वीराज चौहान क्या बोल रहे हैं। नई बात आई कि मोबाइल फोन का ओटीपी जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं, ये सब नई बातें हैं। ये कहां से ओटीपी वगैरह की बात आई थी? और साथ ही में टीपीवीएस करके जो सिस्टम प्रणाली है, इसका भी हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना था। तो कई सारी समस्याएं हल होती है। एफआईआर की जो कॉपी है उसको प्रकट नहीं किया गया, उसको गुप्त रखा गया है। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। और देखिए, इस पूरे मामले में शिंदे गुट ने विपक्ष पर हमला बोला है। संजय निरुपम ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा, अमोल कीर्तिकर के हारने पर गलत खबर फैलाई जा रही है, मोबाइल से ईवीएम लॉक अनलॉक नहीं होता, राहुल गांधी अखिलेश यादव कैसे इस तरह की बातें फैला रहे हैं, ये सवाल पूछा है संजय निरुपम ने। सुनिए, वाकई में क्या मोबाइल फोन से ईवीएम की कोई कनेक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर हम माने तो ईवीएम मशीन मोबाइल के द्वारा ऑपरेट हो ही नहीं सकता, चूंकि मोबाइल ईवीएम को कंट्रोल नहीं कर सकता, और ऐसे रैंडमली कोई मोबाइल नहीं कर सकता, मालूम नहीं है और क्या उसको ऑपरेट करने का और क्या तरीका है। लेकिन कोई उम्मीदवार का जो साला है वो अपने मोबाइल से ईवीएम को ऑपरेट कर रहा है, ये ओटीपी पे चलने वो ओटीटी पे चलने वाले जो सीरीज हैं उसकी एक कहानी हो सकती है, उसका एक स्क्रीन प्ले हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए नहीं, तो जो इतने बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी रीट्वीट कर रहे हैं, साथ साथ में तेजस्वी, अखिलेश, प्रशांत भूषण जैसे बड़े नेता इसको रीट्वीट कर रहे हैं, ये सारे लोग भी तो जानकार हैं, क्या सिर्फ एक नरेटिव सेट करने की बात है या फिर वाकई में जैसा कि आप कह रहे हैं कुछ नहीं होता है, इस तरह से कनेक्ट होता ही नहीं? दो बातें हैं, एक तो सचमुच सारे इतने बड़े जानकार हैं, इस पे आज मुझे शक हो रहा है,
और ये जानकार हैं क्या, मुझे शक नहीं करना चाहिए, तो ये जानबूझ के फर्जी नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पढ़े लिखे नेता हैं, विदेशों से पढ़कर आए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत बड़े जानकार आदमी हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, और उन्होंने इस फर्जी खबर को उठा करके ईवीएम मशीन मोबाइल से ऑपरेट हो रही है और मोबाइल पे ईवीएम मशीन का ओटीपी आ रहा है, इस जानकारी पर विश्वास करना अपने आप में एक हास्यास्पद मामला है।